और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। दोस्तों मैंने किए है सूरा सोमवार के व्रत, तो आज मेरा दूसरा व्रत था और मैं जो पूजा करती हूँ बहुत ही सरल विधि से करती हूँ, ना तो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम, जिससे हमारे मन को संतुष्टि भी मिल जाए और पूजा में कोई कमी भी ना रहे, इतनी पूजा में करती हूँ। तो मैंने बनाया है इस पूजा का ब्लॉग, तो अगर आप इसको जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे पूजा की है तो इसको आप जरूर देखिए आखिरी तक। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको एक पवित्र स्थान पर जहाँ हम पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके बैठ सकें, अच्छे से पानी से साफ करके और उस पर आटे से चौक बनाना चाहिए इस तरह से। और फिर उस चौक के ऊपर एक साफ पाटा रखें और उसके ऊपर सफ़ेद या लाल कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर गणेश जी की प्रतिमा रखें। अगर आपके पास गणेश जी की प्रतिमा ना हो तो आप एक पान लें, उसके ऊपर सिक्का रखें और उसके ऊपर सुपारी रखें। इस तरह से आप गणेश जी को विराजमान करें और शंकर भगवान की फ़ोटो लें जिसमें शंकर भगवान का पूरा परिवार हो, माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय शंकर भगवान के साथ हों। अगर आपके पास ऐसी फ़ोटो ना हो तो आप सिर्फ शंकर पार्वती जी की फ़ोटो भी रख सकते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ व्रत के लिए पूजन सामग्री। तो शंकर भगवान की पूजा में बेलपत्र बहुत आवश्यक होते हैं। 16 सोमवार में 16 बेलपत्र मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। और जो प्रसाद आप चढ़ाना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, जो प्रसाद आप पहले सोमवार को चढ़ाएंगे वही आपको 16 सोमवार तक चढ़ाना है। उसके तीन भाग किए जाएंगे, एक गाय को जाएगा, एक बच्चों में और घर के लोगों में प्रसाद बाँट दें और एक हिस्सा आप स्वयं के लिए रखें। तो सबसे पहले हम भगवान के दाएं तरफ थोड़े से चावल रखेंगे और उसके ऊपर दीपक रखेंगे। और अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप पूजा में शिवलिंग रख लीजिए, नहीं तो हम बालू के शिवलिंग बनाएंगे। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती जी ने शंकर भगवान को पाने के लिए बालू रेती के ही शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की थी। तो जब भी आप मिट्टी के या फिर बालू रेती के शिवलिंग बनाएं तो उनके नीचे पहले इस तरह से एक बेलपत्र रख लें, ये बहुत ही शुभ होता है। और अब इस तरह से हम शिवलिंग बनाएंगे। बालू रेती को मैंने गीला कर लिया था, इससे शिवलिंग को शेप देने में मदद मिल जाती है थोड़ी सी। और छोटे से ग्लास में मैंने इस तरह से रेती को डाल लिया और इस तरह से उल्टा करके ये देखिए कितना बढ़िया शिवलिंग बनके तैयार हुआ है। तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम पूजा में इस तरह से एक दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे और सबसे पहले दीपक की पूजा करेंगे। और दीपक में सबसे पहले जल चढ़ाएंगे, उसके बाद हल्दी, कुमकुम, चावल, सिंदूर वगैरह चढ़ाएंगे और पुष्प अर्पित करेंगे। और उसके बाद गणेश जी को जल से स्नान करवाएंगे और उनको भी सिंदूर वगैरह लगाएंगे और अक्षत चढ़ाएंगे और पुष्प चढ़ाएंगे। उसके बाद शिवलिंग की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे, थोड़ा सा ही चढ़ाएं क्योंकि ये बालू रेती की शिवलिंग है, अगर हम ज़्यादा जल चढ़ा देंगे तो ये बढ़ जाएंगे। उसके बाद दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं और अब मैं चढ़ा रही हूँ शहद। शक्कर चढ़ाएंगे और उसके बाद वापस से जल चढ़ाएंगे, यानी कि हमने शंकर भगवान को पंचामृत से स्नान करवा दिया है, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। और अब हम चंदन चढ़ाएंगे। शंकर जी को कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है और हल्दी भी नहीं चढ़ाई जाती है, तो उनको हल्दी और कुमकुम नहीं लगाएंगे और बस थोड़े चावल चढ़ा देंगे और थोड़ी सी शक्कर। और अब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। तो बेलपत्र में हम लिखेंगे राम राम, तो उसके लिए मैंने चंदन में थोड़ा सा पानी मिला लिया है। और इस तरह से हम माचिस की या अगरबत्ती की सीख में थोड़ी सी रुई लपेट कर बेलपत्र के ऊपर राम राम लिखेंगे।
और उसके बाद ओम नमः शिवाय बोलकर शिव जी के ऊपर चढ़ाते जाएंगे। इस तरह से हमको 16 बेलपत्र चढ़ाना है। अगर आपके पास 16 बेलपत्र ना हो तो कम से कम 2 बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं, ऐसी कोशिश कीजिए। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस व्रत को कुमारी कन्याएं या विवाहित स्त्रियां सभी लोग कर सकते हैं। अगर विवाहित स्त्रियां इस व्रत को करें तो अच्छे से तैयार होकर श्रृंगार करके करें। सुहागिन स्त्रियों के लिए इस तरह से किया गया कोई भी व्रत बहुत शुभ फलदायी होता है। और अब हम चढ़ाएंगे पुष्प। तो मैंने पहले सोमवार से ही नियम बना लिया है कि मैं शिवलिंग के ऊपर 5 गुलाब के फूल चढ़ाती हूँ, तो इस तरह से मैं चढ़ा रही हूँ। शंकर जी को सफ़ेद फूल बहुत पसंद होते हैं, तो सफ़ेद पुष्प उनके ऊपर चढ़ा देंगे। अगर आपके आसपास शमी का पत्ता लगा है तो वो भी आप लाकर चढ़ा सकते हैं। और अब हम फोटो की पूजा करेंगे। फोटो के ऊपर पहले जल चढ़ाएंगे। तो शंकर भगवान को कुमकुम नहीं लगाते हैं, इसलिए उनको मैंने खाली चंदन लगा दिया है और चावल चढ़ा देंगे। और माता पार्वती जी को भी हल्दी, कुमकुम और चावल वगैरह चढ़ा देंगे और फूल और बेलपत्र भी चढ़ा देंगे। उसके बाद अगरबत्ती और धूप बत्ती जला देंगे। और उसके बाद हम प्रसाद चढ़ाएंगे और पोथी की पूजा करेंगे। और हाथ में थोड़े से चावल, फूल और एक बेलपत्र ले लेंगे। और अब हम कहानी पढ़ लेते हैं। कहानी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ एक वीडियो में, और धतूरा था मेरे पास तो मैं चढ़ाना भूल गई थी, तो मैंने धतूरा भी चढ़ा दिया है। और कथा पढ़ने के बाद हवन करेंगे। तो हवन के लिए मैंने कंडा जला लिया है, आप चाहे तो आम की लकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हवन की वेदी के ऊपर हम जल चढ़ाकर हल्दी, कुमकुम वगैरह अर्पित करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे और अब हवन सामग्री से हवन करेंगे। तो हवन सामग्री में मैंने लिया है हवन सामग्री शक्कर और घी, आप चाहें तो शक्कर की जगह पर गुड़ भी ले सकते हैं। तो 16 बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए या ओम उमा सहित शिवाय नमः बोलते हुए आहुति देंगे। और हवन के बाद आरती करेंगे। तो थाली में बना रही हूँ मैं स्वास्तिक, और उसके ऊपर रखेंगे हम आरती और आरती को प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद आरती की पूजा करेंगे, जल चढ़ाएंगे, हल्दी, कुमकुम और पुष्प चढ़ाएंगे और फिर शंकर भगवान की ओम जय शिव ओमकारा आरती करेंगे। दोस्तों, अगर आपको पूजा विधि पसंद आई है, ब्लॉग पसंद आया है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कम से कम हर हर महादेव तो ज़रूर लिखिए। और लास्ट में कपूर जलाकर कपूर से आरती करेंगे और कर्पूर गौरम करुणावतारम मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजा का समापन करेंगे। और आखिरी में भगवान से क्षमा याचना करेंगे कि अगर हमसे पूजा में कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, कोई पूजा अधूरी हुई हो, तो आपकी दया से सारी पूजा पूर्ण हो और हमको आपकी कृपा प्राप्त हो। और जो केले हमने चढ़ाए थे उसमें से मैंने 4 केले गायों को खिला दिए हैं और 4 केले मैंने घर में सबको वितरित कर दिए हैं और 4 केले मैं स्वयं खाऊंगी। जो प्रसाद हम पूजा में चढ़ाते हैं बस वही उस दिन हम खाने में खाते हैं, उसके अलावा हम कुछ और नहीं खाते हैं। तो दोस्तों, ये उत्तम फल देने वाला बहुत ही अच्छा व्रत है। तो दोस्तों, ये उत्तम फल देने वाला बहुत ही महान व्रत है। और मुझे लगता है कि पूजा में अगर हमने बहुत ज़्यादा नहीं किया है कुछ, तो बहुत कम भी नहीं किया है। इतनी पूजा तो हमने कर ही ली है कि हमें संतुष्टि प्राप्त हो कि हमने 16 सोमवार व्रत की पूजा पूर्ण कर ली है। और बस गायों को खिलाने के बाद आप स्वयं भोजन कर लीजिए और सूर्यास्त होने से पहले बालू के शिवलिंग को किसी गमले में, किसी नदी में या किसी कुएं में विसर्जित कर दीजिए। और अगले सोमवार को फिर से नया शिवलिंग बनाइए पूजा के लिए। अगर और कोई जानकारी मेरे द्वारा देने से छूट गई हो इस वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
दोस्तों अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।